नमस्कार साथियों कैसे हैं सब लोग तो देखिए आज हम बात करेंगे विश्व में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उन मरुस्थलों का निर्माण किस प्रकार से होता है और क्यों मरुस्थल ज़्यादातर आप देखेंगे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही दिखाई देते हैं पश्चिमी भागों में ही महाद्वीपों का ज़्यादा विस्तार पाया जाता है तो इसके संबंध में देखिए बात करें तो संभवत है तीन मुख्य जो कारण होते हैं वो तीन मुख्य कारण होते हैं महाद्वीपों में मरुस्थलों के निर्माण के आजकल आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो रियो सम्मेलन हो चाहे पेरिस समझौता हो इन सब के अंदर इसी बात पर बात होती है कि लगातार मरुभूमिकरण हो रहा है लगातार मरुस्थलीकरण जो है वो उसको उसमें बढ़ोतरी हो रही है लगातार उसमें वृद्धि हो रही है तो मरुस्थलीकरण के वृद्धि के लिए मरुस्थलों के निर्माण के कारण क्या क्या हैं तो मरुस्थलों के निर्माण के कारण की अगर देखिए बात की जाए तो सबसे मुख्य कारण जो होता है सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि जो व्यापारिक पवने महाद्वीपों पर चलती हैं जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि जैसे ये मान लीजिए कोई महाद्वीप है ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ से यहाँ से गुजर रही है भूमध्य रेखा तो भूमध्य रेखा भी के इधर से बीचों बीच से यहाँ से गुजरने से अगर इधर से व्यापारिक पवनें चलती हैं इधर से अगर व्यापारिक पवनें चलती हैं तो इन व्यापारिक पवनों के द्वारा इन व्यापारिक पवनों के द्वारा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ज़्यादा वर्षा हो जाएगी क्योंकि नमी जो लेकर आएगी इसके कारण इस क्षेत्र में यहां पर ज्यादा वर्षा होगी तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि ज्यादातर मानसूनी जलवायु पाई जाएगी मानसूनी जलवायु तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अधिकतर व्यापारिक पवनों के कारण तटीय क्षेत्र में ज्यादा वर्षा हो जाती है तो यहां पर जलवायु कैसी हो जाती है मानसूनी जलवायु का निर्माण हो जाता है मानसूनी जलवायु लेकिन जिस प्रकार से मानसूनी पवने जब आंतरिक भाग में प्रवेश करेगी इधर की तरफ ये मानसूनी पवने पहुंचेगी तो नमी यहां पर थोड़ी बहुत क्या होगी कमी जब नमी की यहाँ पर कमी हो जाएगी तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे जलवायु कैसी पाई जाएगी शुष्क जलवायु पाई जाएगी यहाँ पर जल शुष्क जलवायु या इसको हम बोल देते हैं सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है लेकिन जब यही मानसूनी पवने महाद्वीपों के या ये जो व्यापारिक पवने महाद्वीपों के बिल्कुल पश्चिम में पहुंचेंगी तो नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते जलवायु कैसी होगी शुष्कतम जलवायु का निर्माण हो जाएगा और इसी से मरुस्थल आपके बनते हैं तो पहला मुख्य कारण है कि व्यापारिक पवनों के कारण महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा होगी जैसे जैसे व्यापारिक पवन आगे बढ़ेगी नमी समाप्त तो होगी और पश्चिम तक ये शुष्क हो जाती है दूसरा मुख्य कारण मरुस्थलों के निर्माण का पहला तो कारण आपका ये क्लियर है दूसरा जो मेन कारण होता है मरुस्थलों के निर्माण का वो होता है उपोषण उच्च दाब पेटी यहां पर देखिए जीरो डिग्री है मान लेते हैं भूमध्य रेखी क्षेत्र है यहाँ पर 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में या 25 से 35 डिग्री भी ले लेते हैं 30 से 35 डिग्री साउथ में तो जब यहाँ से दोनों तरफ से दोनों तरफ से व्यापारिक पवने अविसरित होकर ऊपर जाती हैं तो इनका अवतलन जो होता है ये हमेशा ध्यान रखना 30 से 35 डिग्री इसके आसपास ही होता है और जब पवनों का ऊपर से अवतलन होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर बनेगा और हाई प्रेशर पर बनेगा तो पवने उससे विपरीत दिशा में जाएंगी तो ये जो स्थिति है यहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर की स्थिति रहती है ठीक है पवने ऊपर से जब तो नीचे आएगी तो कभी भी नमी लेकर नहीं आएंगी पवनों के ऊपर की तरफ जाने से यहाँ पर क्या होती है वर्षा हो जाती है इसीलिए यहाँ वर्षा होगी लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं होगी तो दूसरा मुख्य कारण है उपोषण उच्च दाव पेटी और उपोषण उच्च दाव पेटी का जो विस्तार होता है वो 25 से 35 के लगभग होता है तो आप देख लीजिए दोनों गोलार्धों में जो मरुस्थल बने हुए हैं या जो गर्म मरुस्थल बने हैं उनका विस्तार इन्हीं अक्षांशों के अंदर पाया जाता है तो पच्चीस से पैंतीस अक्षांश के बीच में ही मरुस्थलों का निर्माण होता है क्योंकि यहां पर उपोषण उच्च दाव पेटी पाई जाती है दूसरी तीसरा कारण तीसरा कारण क्या होता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर जैसे दक्षिणी अमेरिका की हम बात करें यहाँ पर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर क्या चलती हैं ठंडी जल धाराएँ चलती हैं और ये ठंडी जल धाराएँ क्या करती हैं हमेशा हाई प्रेशर का निर्माण करती हैं जिससे पवने तट से हमेशा विपरीत दिशा में चलने लगती हैं तो तीन मुख्य कारण हो गए पहला व्यापारिक पवनों के कारण महाद्वीपों के आंतरिक भाग में और पश्चिमी भाग में नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है दूसरा उपोषण उच्चता पेटी का निर्माण होना और तीसरा कारण है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरी जलधाराओं का प्रवाहित होना ये तीन मेन कारण है मरुस्थलों के निर्माण के अब हम बात करें विश्व में मरुस्थल कहां कहां पर मुख्यतः पाए जाते हैं तो विश्व में देखिए मरुस्थलों की अगर बात करें गर्म मरुस्थलों की तो यहां पर एक मरुस्थल पाया जाता है दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के अंदर और यह मरुस्थल कहलाता है आपका अटाकामा मरुस्थल अटा कामा मरुस्थल इसको कहा जाता है और अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सुस्कतम मरुस्थल कहलाता है यह विश्व का सबसे सुस्कतम मरुस्थल कहलाता है ठीक है पेरू और चिली में इसका विस्तार पाया जाता है और ये सबसे शुष्कतम है क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और यहीं पर एक शुष्कतम स्थल है जिसको अकीरा के नाम से जाना जाता है जिसको हम अकीरा कहते हैं तो ये एक मरुस्थल रखना यहाँ पर दिखाई देगा इसके अलावा इसी क्षेत्र में आप देखें ये पूरा का पूरा भाग यहाँ पर क्या है सहारा मरुस्थल का भाग है तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ दिखाई देगा सबसे बड़ा मरुस्थल और इसी सहारा मरुस्थल में तुरेंग और बरवर जैसी जनजातियां ऊंट पालन और भेड़ पालन के लिए जानी जाती हैं तो तुरेंग और बरवर जनजातियां भी इस क्षेत्र में दिखाई देती हैं इसके अलावा यहां पर आप एक मरुस्थल देखेंगे जिसको हम बोलते हैं नामिव मरुस्थल और एक मरुस्थल देखेंगे इसको बोलते हैं हम काला मरुस्थल तो ये क्षेत्र है सहारा मरुस्थल का ये मरुस्थल कहलाता है विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल जिसको हम बोलते हैं नामिव मरुस्थल और ये मरुस्थल कहलाता है कालाहारी मरुस्थल काला हरि मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और काला हरी मरुस्थल में एक तो शतुर्मुर्ग पक्षी इसकी विशेषता है दूसरा यहाँ बुस्मैन जनजाति पाई जाती है और अगर हम नामी मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर हॉट एंड टोड़ या खोई खोई जनजाति का निवास यहीं पर पाया जाता है जबकि बात करें पिगमी जनजाति की तो विश्व की सबसे छोटी कद की जनजाति मध्य अफ्रीका मध्य अफ्रीका में पाई जाती है ख़ासकर आपकी कॉन्गो नदी बेसिन के अंदर इसका विस्तार है तो ये सारा मरुस्थल नामी मरुस्थल और यहाँ पर काला हरी। और इसी क्षेत्र में चले जाएं तो यहां पर आपको दिखाई देगा इसको हम बोलते हैं अरेबियाई मरुस्थल तो ये अरब का मरुस्थल कहलाता है या अरेबियाई मरुस्थल के नाम से जाना जाता है जिसमें अल नफद और हमादा प्रमुख मरुस्थल यहाँ पर दिखाई देते हैं यहाँ पर मरुस्थल है इस मरुस्थल को हम बोलते हैं ईरानी मरुस्थल ईरानी मरुस्थल जिसके अंतर्गत दस्ते लुथ और दस्ते कबीर मरुस्थल आते हैं ईरानी मरुस्थल में दस्ते लुथ और दस्ते कबीर तो ये ईरानी मरुस्थल वाला भाग है और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं ये मरुस्थल कौन सा होगा थार मरुस्थल होगा और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का ये भाग भी मरुस्थली है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल के नाम से ये भाग जाना जाता है और इस मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम से है जैसे ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है यहीं पर आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ग्रेट सैंडी मरुस्थल यहीं पर गिब्सन मरुस्थल दिखाई देता है गिब्सन यहीं पर सिंपसन है स्टुअर्ट है तनामी है तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के मरुस्थल इसमें दिखाई देते हैं तो सहारा मरुस्थल के बाद दूसरे बड़े मरुस्थल के रूप में जाना जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल तो ये मरुस्थल गर्म मरुस्थलों में है और जिनका निर्माण आप देख रहे हैं या तो कर्क रेखा पर या मकर रेखा के आसपास ही होता है इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में एक मरुस्थल यहाँ दिखाई देता है और इस मरुस्थल को कहा जाता है सोनोरन मरुस्थल तो सोनोरन मरुस्थल के नाम से ये यह मरुस्थल यहाँ पर जाना जाता है तो ये ध्यान रखना विश्व के मेन मेन मरुस्थल हैं जो आपके उष्ण मरुस्थल कहलाते हैं गर्म मरुस्थलों में जाने जाते हैं ठीक है उत्तरी अमेरिका में सोनोरन और मुहावे मरुस्थल है दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है गर्म मरुस्थल है इसी तरह से यहाँ पर एक पेंटागोनिया मरुस्थल जो एक सीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है आज हम बात कर रहे हैं किसकी उष्ण मरुस्थलों की बात कर रहे हैं तो सोनोरन मरुस्थल है कामा मरुस्थल है यहाँ सहारा मरुस्थल है यहाँ नामी मरुस्थल है यहाँ काला हरी मरुस्थल है बोधसबाना में इसका विस्तार ज्यादा पाया जाता है इधर ईरानी मरुस्थल है और ईनारी मरुस्थल में मुख्यतः ध्यान रखना एक कहलाता है दस्त ए लुथ और दस्त ए कबीर तो दस्त ए लुथ और दस्त ए कबीर के नाम से जाना जाता है ठीक है बाकी अरेबियाई मरुस्थल अल नफद और हमादा के नाम से प्रसिद्ध है ये मेन गर्म मरुस्थलों के रूप में जाने जाते हैं कुछ फेमस जनजातियाँ अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ निवास करती हैं अगर इन जनजातियों की बात करें तो जैसे उदाहरण के तौर तो पर देख सकते हैं सहारा मरुस्थल में सहारा मरुस्थल के अंदर बरबर जनजाति निवास कर रही है बरबर और तुरेंग बरबर और तुरेंग जनजाति का निवास पाया जाता है यहाँ नामीब मरुस्थल में खोई खोई जनजाति पाई जाती है खोई खोई जनजाति ठीक है और हरी मरुस्थल की प्रसिद्ध जनजाति है इसको हम बोलते हैं बुशमैन जनजाति बुशमैन जनजाति और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति का चावल किसे कहा जाता है तो बुशमैन जनजाति दीमकों का सेवन करती है तो दीमकों को कहा जाता है बुशमैन का चावल तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है आप देख रहे हैं एक साल के इंतजार जो आपका समाप्त हुआ है महा ऑफर लेकर आया उत्कर्ष और इस महा ऑफर में होली धमाके वाली बहुत नब्बे परसेंट तक डिस्काउंट यहां पर आपका लेकर आया है तो विद्यार्थियों की बेहद मांग पर एक साल का इंतजार समाप्त हुआ अप टू नाइन्टी परसेंट डिस्काउंट इससे ज्यादा डिस्काउंट आप एजुकेशन फील्ड में कहीं नहीं पा सकते हैं तो नब्बे परसेंट डिस्काउंट यहाँ पर और ये डिस्काउंट केवल कब है पांच दिनों के लिए डिस्काउंट है 16 से 20 मार्च 2022 तक ये डिस्काउंट आपका रहेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का थैंक यू नमस्कार